वेल हेलो दोस्तों, आज मैं एक हॉरर और कॉमेडी मूवी की स्टोरी एक्सप्लेन करने वाला हूँ जो कि 2014 में रिलीज हुई थी। सो लेट्स बिगिन विद द मूवी ज़ॉम्बी फीवर। जैसे ही मूवी स्टार्ट होती है, हमें दो केमिकल ट्रांसपोर्टर्स को दिखाया जाता है जो एक केमिकल कंटेनर से भरा हुआ ट्रक लेकर जा रहे थे। वो दोनों आपस में बातें कर रहे थे, तभी अचानक उनके ट्रक के सामने एक हिरण आ जाता है और बातों के चक्कर में उन्हें वो हिरण नजर नहीं आता और वो उसे ठोक देते हैं। उस एक्सीडेंट की वजह से उनका बैलेंस बिगड़ जाता है और उस ट्रक से एक केमिकल कंटेनर गिरकर पास ही की एक रिवर की ओर जाने लगता है। वो केमिकल ट्रांसपोर्टर ट्रक से बाहर आकर ट्रक को चेक करता है और फिर वापस बैठकर वो दोनों वहां से चले जाते हैं। पर उन्हें ये नहीं पता था कि उनके ट्रक में से एक कंटेनर रिवर में जा गिरा है। वहीं वो केमिकल कंटेनर रिवर में बीवर्स के घर के पास पहुंचकर लीक होने लगता है। फिर सीन चेंज होता है जहां एक लड़का उसी रिवर के किनारे बैठकर फिशिंग कर रहा था, तभी उसकी फिशिंग रॉड में कुछ फंस जाता है जिसे वो खींचने की कोशिश करने लगता है, पर वो चीज उसे ही अपनी ओर खींचने लगती है। उसी दौरान कोई पीछे से उस पर हमला करके उसे मार देता है। फिर अगले सीन में हमें तीन लड़कियां दिखाई जाती हैं जिनका नाम है मैरी, जीन और जोई। उन्होंने हाल ही में अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है और इसीलिए वो वेकेशंस एंजॉय करने के लिए मैरी के फार्म हाउस पर जा रहे थे। रास्ते में उन्हें एक रिवर नज़र आती है जिसके आसपास का व्यू काफ़ी ज़्यादा सुंदर था, पर पहले वो अपने फार्म हाउस पर जाकर रिलैक्स करने का डिसीजन लेती हैं। फार्म हाउस पर पहुंचकर उनकी मुलाकात उनके पड़ोसी से होती है, फिर वो अंदर जाकर आराम करने लगते हैं। लेकिन तभी उन्हें पता चलता है कि वहां पर मोबाइल सिग्नल्स नहीं हैं, जिसका मतलब ये है कि अब वो मोबाइल फ़ोन के ज़रिए किसी से भी कांटेक्ट नहीं कर सकते। फिर वो तीनों उसी रिवर के पास जाते हैं जो उन्हें रास्ते में मिली थी। वो वहां पर रोलिंग करके सन बाथ लेने लगती हैं, तभी उनकी नज़र नदी के किनारे बने एक बीवर्स हाउस पर पड़ती है और उनके अंदर का डिटेक्टिव बाहर आ जाता है। वो उसके पास जाते हैं, उन्हें वहां पर हरे रंग के पैरों के निशान नजर आते हैं और साथ ही एक केमिकल कंटेनर भी दिखता है। अब ये देखकर वो कंफ्यूज हो जाती हैं और सोचने लगती हैं कि आखिर यहां पर हुआ क्या था। लेकिन तभी वहां एक बेयर आ जाता है जिसे देखकर उनके तोते उड़ जाते हैं और वो भागने लगती हैं, पर तभी एक शिकारी वहां आकर अपनी गन से उस भालू को डराकर भगा देता है। फिर वो तीनों उस शिकारी को थैंक्स बोलकर वापस फार्म हाउस में आ जाती हैं। रात के समय जब वो तीनों एंजॉय कर रही थी, तभी उन्हें कुछ अजीब आवाज़ें सुनाई देती हैं जिससे वो काफ़ी डर जाती हैं। लेकिन कैसे न कैसे हिम्मत करके जब वो बाहर जाती हैं तो उन्हें वहाँ अपने बॉयफ्रेंड्स मिलते हैं जो उनके साथ एक घटिया सा प्रैंक कर रहे थे। उनमें से जीन का बॉयफ्रेंड था सैम, मैरी का बॉयफ्रेंड था टॉमी और जोई का बॉयफ्रेंड था बग। अब वो सब मिलकर काफ़ी एंजॉय करते हैं। कुछ समय बाद जीन टॉयलेट में कपड़े बदलने जाती है जहां उसे बार टब से कुछ अजीब आवाज़ें आती हैं। जब वो पर्दा हटाती है तो वहां पर एक बीवर था जो उस पर अटैक कर देता है। वो कैसे न कैसे बच कर बाहर जाती है और अपने बॉयफ्रेंड सैम को सब कुछ बता देती है। वो सब मिलकर वॉशरूम में जाकर चेक करते हैं। वो बीवर दिखने में आम बीवर से काफ़ी अलग और डेंजरस लग रहा था। दरअसल ये उसी केमिकल का जलवा है। वो बीवर उन पर हमला कर देता है, पर वो उसे एक हॉकी बैट से मार देते हैं और टॉमी उसे एक बैग में भर कर बाहर रख देता है। अगली सुबह वो फिर से रिवर के पास व्यू का मज़ा लेने जाते हैं, पर घर के बाहर उन्हें पता चलता है कि जिस बीवर को उन्होंने कल रात को मार के रखा था वो वहाँ से गायब है। पर वो उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते और उसे इग्नोर करके वहाँ से चले जाते हैं। रिवर के पास पहुंचकर वो एंजॉय करने लगते हैं, पर जीन रिवर के बाहर बैठकर कल रात हुए इंसिडेंट के बारे में सोचती रहती है। कुछ समय बाद बग को अपने पैरों में कुछ महसूस होता है, पर वो उसे मजाक में ले लेता है। लेकिन थोड़ी ही देर बाद वो चीज़ उसे पानी के अंदर खींच लेती है और उसका पैर काट के अलग कर देती है। ये सब देख वो लोग डर जाते हैं और जल्दी से पानी के बाहर आ जाते हैं। उन ज़ॉम्बीवर्स ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया था। ये देखकर जीन जल्दी से फार्म हाउस में जाकर मदद के लिए कॉल करती है, लेकिन तभी एक बीवर उसके पैरों में काट लेता है। जीन कैसे न कैसे अपनी जान बचाकर उस ज़ॉम्बीवर को मार देती है। वहीं दूसरी तरफ टॉमी उनके डॉग को उठाकर पानी में फेंक देता है, जिससे सभी बीवर्स उसे छोड़कर डॉग के पीछे आने लगते हैं और उसे जान से मार देते हैं। उसी दौरान वो सभी लोग मौका देखकर रिवर के बाहर आ जाते हैं। वैसे यहाँ पर कुत्ते के मालिक का नाम टॉमी है, ना कि कुत्ते का। खैर फिर वहाँ से वो लोग फार्म हाउस आ जाते हैं।
अब इतना सब कुछ देखने के बाद वो लोग काफी ज्यादा डरे हुए थे और उनसे बचने का तरीका सोच रहे थे। पर तभी अचानक उनके घर के बाहर से वही अजीबोगरीब आवाज आती है। दरअसल उनके घर के बाहर बहुत सारे बीवर्स अपने डिनर का इंतजार कर रहे थे। ये देखकर वो घर के सभी खिड़की और दरवाजे अंदर से बंद कर लेते हैं फॉर सेफ्टी पर्पस। अब क्योंकि बग की हालत कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो रही थी तो वो डिसाइड करते हैं कि कुछ लोग बग को लेकर हॉस्पिटल जाएंगे और वहां से मदद लेकर आएंगे और कुछ लोग घर में रुककर बीवर्स को अंदर आने से रोकेंगे। तो जोई और टॉमी बग्स को लेकर कार से हॉस्पिटल जाते हैं और बाकी लोग घर को अच्छे से लॉक कर लेते हैं। वहीं जोई और टॉमी बीच में ही देखते हैं कि उनका रास्ता ब्लॉक है, तो टॉमी कार से बाहर निकलकर नया रास्ता ढूंढने जाता है। तभी जोई को टॉमी के चिल्लाने की आवाज़ आती है। जब वो चेक करने जाती है तो देखती है कि टॉमी स्वर्ग से धार गया, मतलब मर गया, क्योंकि उसके ऊपर एक पेड़ गिर गया था और उसके पास बीवर भी था, तो ऑब्वियसली वो पेड़ उस बीवर ने ही गिराया होगा। फिर वो बीवर जोई को डराने धमकाने लगता है, लेकिन अचानक शिकारी वहां आकर उसे अपनी गन से टॉमी के पास पहुंचा देता है। तो सब लोग मिलकर टॉमी और उस बीवर की आत्मा की शांति के लिए प्रेयर करेंगे। राम नाम सत्य है। वो शिकारी जोई और बक्स को लेकर अपने घर आता है और घर पर बक्स के पैर का फर्स्ट एड करता है। वैसे ये वही शिकारी है जिसने उन तीनों लड़कियों को मूवी की शुरुआत में बेयर से बचाया था। वहीं दूसरी तरफ जब मैरी रात को सो रही थी तब जीन उसके पास आकर उसे सिड्यूस करती है, पर अचानक उसके नेल्स बड़े होने लगते हैं और दांत गिरकर नए आ जाते हैं, बिल्कुल एक बीवर की तरह, और ये उस बीवर के काटने का ही असर था। नई वाली जीन मैरी पर हमला करने ही वाली होती है, पर तभी सैम पीछे से एक हॉकी बैट उसके सर में बजा देता है। वैसे तो सैम और जीन गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे, पर प्यार में इतना तो चलता है। अब मुझे नहीं पता कि ये प्यार में क्यों होता है। खैर, सैम मैरी को बचा लेता है। वहीं जोई और उस शिकारी को बाहर से कुछ आवाजें आती हैं। जब वो खिड़की से बाहर देख रहे होते हैं तभी बक्स शिकारी पर हमला करके उसे काटने लगता है, क्योंकि अब बक्स भी जॉम्बीवर बन चुका था और ये सब उस बीवर के प्यार का नतीजा था। ये सब देख जोई शिकारी की गन से बक्स को मारने का प्रयास करती है, पर वो गलती से शिकारी को ही मार देती है। अब देख लो इन्हें, इतना बड़ा इंसान नहीं दिख रहा उसे। बैक टू द स्टोरी। फिर जोई बक्स से बचकर खुद को एक रूम में बंद कर लेती है, बट उस रूम में पहले से ही कोई ज़ॉम्बीवर इन्फेक्टेड इंसान लेटा था। बहुत बढ़िया, सोने पर सुहागा। वो जोई पर अटैक करता है, पर जोई उसे गन से शूट कर देती है, लेकिन गन खाली थी तो जोई को मजबूरन खिड़की से बाहर कूदना पड़ता है। दूसरी ओर सैम और मैरी वहां से निकलने का कोई नया तरीका सोच रहे थे, पर मैरी को सैम पर डाउट होता है कि कहीं इसे भी उस बीवर ने तो नहीं काटा, और प्रूफ के तौर पे वो उसे कपड़े उतारने को कहती है ताकि वो उसे चेक कर सके। दोनों कपड़े उतारते हैं, चेक करने के बाद दोनों हवा के बहाव में बह जाते हैं। तभी नई वाली जीन बिल्कुल एक बीवर की तरह फ्लोर के जरिए वहां आती है और सैम को नीचे से काट लेती है। मैरी ये देखकर वहां से अपनी जान बचाकर खिसक लेती है। वहीं एक बीवर कुछ गड़बड़ करके उनके घर में आग लगा देता है। मैरी वहीं कहीं भटकती रहती है, तभी जोई वहां शिकारी का ट्रक लेकर आ जाती है और दोनों बच निकलते हैं। लेकिन फिर वो उसी जगह पहुंच जाते हैं जहां पर उन्हें पहले रास्ता ब्लॉक मिला था, तो वो डिसाइड करते हैं कि आगे का सफर वो पैदल ही तय करेंगे। रास्ते में मैरी को जोई के शरीर में बहुत से निशान दिखते हैं, तो उसे लगता है कि जोई भी जल्दी ज़ॉम्बीवर में बदल जाएगी, तो वो उस पर फायर करने लगती है। पर जोई उसे समझाने की कोशिश करती है कि वो अभी भी शुद्ध शाकाहारी है, पर तभी अचानक मैरी खुद ही ज़ॉम्बीवर में बदल जाती है। ये देख जोई अपने हाथों में पकड़ी हुई कुल्हाड़ी से उसके सिर पर वार कर देती है, एंड सी डाइज, मतलब निपट गई। फिर जोई अकेले ही आगे बढ़ती है। रास्ते में उसे एक ट्रक आता हुआ नजर आता है, वो उससे मदद मांगती है, पर किस्मत से ये ट्रक उन दोनों केमिकल ट्रांसपोर्टर्स का ही था, तो बस दोनों बातों में बिजी थे और हिरण की तरह जोई को भी उड़ा देते हैं, और यहाँ हो जाती है मूवी की हैप्पी एंडिंग। होप यू एंजॉय दिस वीडियो। फॉर मोर सच वीडियो सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। और हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको इस मूवी की स्टोरी और एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।